नमस्कार, मैं डॉक्टर हरिनारायण आज पशुओं में होने वाली बीमारी के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसका नाम है फुट रॉट। जो पशुओं के खास करके जो जिनके खुर फटे होते हैं या उन्हीं लोग बीमारी है, उन्हीं पशुओं की बीमारी है जिनके खुर फटे हुए होते हैं। फूल फटे हुए बीमारी में फुट रॉट और दूसरा होता है एफएमडी। फुट रॉट में सिर्फ पैर में ही घाव होता है और यह बैक्टीरियल डिजीज है। एफएमडी में वायरल डिजीज है और वह मुंह और पैर दोनों में होता है, इसलिए आपको फुट रॉट के बारे में जानना जरूरी है। यह उसी जगह होता है, उन्हीं इलाकों में होता है, खासकर ट्रॉपिकल कंट्री में होता है जो मडी सॉइल और वेट हिंगी हुई जगह में रहते हैं, वहां होता है। कुछ पथरीली जमीन पर भी होता है। इसके बैक्टीरिया फूजीफॉर्मस नेक्रोसिस होता है, नेक्रोस होता है जो इंटर डिजिटल फटे हुए फूल के बीच में जो डिजिटल होता है वहीं से प्रवेश करता है। कभी कभी वहाँ टीक होता है, टीक भी जोड़ कर देता है, वहां से बैक्टीरिया समूचे शरीर में चला जाता है। और खास करके पहले तो फीवर होता है जो 104.5 तक फीवर पशु में हो जाता है। इसमें लेमनेस, खून की कमी, दूध की कमी और लेमनेस दूध कमी हो जाता है करके चलने में बहुत तकलीफ होती है और पैर को हमेशा घोड़े की तरह पटकता रहता है या ज्यादातर पीछे पैर में होता है, दोनों पैर में होता है, कभी कभी आगे पैर में भी होता है। तो किक हमेशा घोड़े की तरह पैर को हमेशा किक करते रहता है और चलने में इसको मूवमेंट दिक्कत होती है। ट्राई टू मूव, कोशिश करता है कि दो ही लेग पर चले, दो ही पैर पर चले। और इसमें डायग्नोसिस भाई इसका क्लिनिकल साइन से ही होता है, इसलिए आप इसके ट्रीटमेंट के लिए सल्फेनामाइड या एंटीबायोटिक दे सकते हैं। इसके लिए आप किसी कंपनी का एंटीबायोटिक या सल्फेनामाइड इंजेक्शन दें और इसके जो दोनों फूल जो फटे हुए फूल होते हैं उसमें कॉपर सल्फेट का 5% घोल, फॉर्मलिन या जेंसन वायलेट का डेली लगाना फूल में जरूरी है। यह इन्फेक्शन डिजीज है और या दूसरे पशुओं को भी जो उस हर्ड में रहते हैं हो सकता है। कृपया अपने पशुओं को देखें और इसे बचाव के लिए 5% कॉपर सल्फेट, फॉर्मलिन या जेंसन भट पैर के खुर में लगावे, क्योंकि बैक्टीरिया वहीं से इंटर करता है और पैदा करता है बीमारी। इसलिए मेरे चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। धन्यवाद।